छुपके कहां थी तुम? हम तुम्हें ढूंढने वापस भी गए थे, तुम मिली नहीं, तब की वापस कैसे आई तुम? हम जानते तुम हमसे नाराज हो, गलती हमारी है, हमें तुम्हें वहां अकेले से छोड़ के नहीं आना चाहिए था। गलती तुम्हारी नहीं बहन, गलती मेरी। मैंने ही तुम्हें गलत समझा, तुम तो मेरे लिए इतना प्यारा तोहफा लाए, वो भी अपने हाथों से बनाकर, और मैंने तुम्हें बताने क्या क्या सुना दिया। यही तो हम तुम्हें बताना चाहते थे तब की, हमारी मेहनत की कमाई से हम हीरों का हार तो नहीं ला पाए, हाँ लेकिन सात रंगों के मोती से इंद्रधनुष जैसी माला जरूर बना ली। सोचा था कि अपने हाथों से पहनाएंगे, लेकिन तो पहना दो ना। ये मेरे लिए अनमोल है। तुम्हें छू के अनमोल हो गया। वैसे एक तोहफा और है हमारे पास तुम्हारे लिए। क्या? आंखें बंद करो। ये क्या बयान? चलो तुम भी दो। क्या? रिटर्न गिफ्ट। ध्यान, ध्रुव क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों? कुछ गलती हुई क्या हमसे? Of course, गलती तो हुई है। इस शिवा मना किया था ना तुझे कि थपकी को अकेले छोड़ के कहीं मत जाना, क्यों छोड़ के आया अकेले से रोड पे? सर, आप बिहान को कुछ मत कहिए, उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। और हाँ, एक और बात कहनी है मुझे आपसे बिहान। ध्रुव सर, मुझे पता चल गया है कि ये हार आप लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच, आपने बिहान के लिए इतना सोचा और इसे उसकी तरफ से खरीदा, पर आप ये वापस ले लीजिए, मैं इसे नहीं ले सकती। नहीं थपकी, तुम इसे अपने पास ही रखो, वैसे भी बिहान और मैं तो भाई हैं, मेरे पैसे इसके पैसे क्या फर्क पड़ता। और वैसे भी हम दोनों तो यही चाहते थे ना कि तुम्हें बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट मिले, तो वो मुझे मिल गया है सर। ये देखिए, बिहान ने इस माला को खुद अपने हाथों से बनाया है। और इससे ज्यादा अनमोल मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, ये लाखों का हार भी नहीं। आप इसे वापस रख लीजिए। Well done, Bihan. Well done. Oh, hello. ये अकेले मिलने जुलने की मोहलत सिर्फ आज के लिए थी, और अब वो टाइम खत्म होने वाला है, तो अब नौ मिलना जुलना। और कहा है ना, कल मेहंदी की रस्म में बहुत सारा काम काज रहेगा और थकावट भी हो जाएगी, इसलिए थपकी को आराम करने दीजिए, है ना थपकी? देख कर रहे हो, बिहान देवर जी को लेके जाओ। अरे हाँ, अब खड़ा क्यों है, चलना चल। देवर जी का तो जाने का मन ही नहीं, सुनता ही नहीं है लड़का। थपकी थपकी
धक्की धक्की, पहले वो हीरे की अंगूठी, फिर वो हार। पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कर चुकी है और अब मेरे पति को भी काबू में कर रही है। जिस तरह मैंने इस हार को अग्नि में जलाया, उसी तरह मैं तुम्हारे और बिहान के रिश्ते को भी जला दूंगा। आप बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए तुम्हें तुम भी दूर जाओगी थक्की, और इतना दूर जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता। कल तुम्हारी मेहंदी है ना, यही मेहंदी का रंग तुम्हारे लिए खुशियां नहीं बल्कि मौत लेकर आएगा। तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी और मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। कल एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी थक्की, मेरी भी और तुम्हारी भी, क्योंकि तुम्हारे मेहंदी के रंग में बिहान का नहीं, मेरे प्यार का रंग होगा। और जो रिटर्न गिफ्ट बिहान ने तुमसे मांगा है, वो कल मैं तुमसे लूंगा। भगवान ने हर अलाप से बचा। थक्की, थक्की तुम्हें मैं यहाँ विश करने आई हूँ। तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत जो करने जा रही हो, तुम्हारे लिए चुनरी लेकर आई हूँ। मैंने माता रानी पे चढ़ाई थी, सोचा तुम्हें लाकर दे दूं। हो गया, अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो जाओ अपना काम करो जाके। ये नौटंकी नहीं है, नौटंकी का अंत। अगर थपकी को लग रहा है कि मैं कोई नाटक नौटंकी कर रही हूँ तो इट्स ओके। श्रद्धा, एक मिनट। चुनरी दे दो। थैंक यू थपकी, थैंक यू सो मच। तुमने ये माता रानी की चुनरी एक्सेप्ट की, उसके लिए थैंक यू। ये माता रानी की चुनरी नहीं, मौत का कफन है तेरे लिए थपकी। इस लाल चुनरी में तेरी जिंदगी का आखिरी सफर शुरू होगा। अब ये बनेगा तुम्हारा ताबूत थपकी, जिसमें मैं तुम्हें जिंदा चुनवाऊंगी। तुम दोनों को पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? जी मैडम। बस अब किसी भी तरह उस लड़की को यहां तक लेकर आओ और इस पेड़ में डाल दो, और इतनी मजबूती के साथ बंद करना कि उसकी आवाज तो क्या, उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए। ये रही तुम्हारी की। पर मैडम, लड़की को पहचाने कैसे? उसकी पिक्चर तुम्हें दिखाती हूँ। लगता है मैं घर पर ही फोन छोड़ा है। देखो, जब तुम दोनों वहां जाओगे तो उस लड़की की सबसे बड़ी पहचान है वो लाल चुनरी जो मैंने उसे दी, ताकि तुम दोनों का काम आसान हो जाए। वो तुम्हें अलग से ही दिखाई दे जाएगी। बस उसी दुल्हन को पकड़ के तुम्हें यहाँ लेकर आए, समझे? जी मैडम।